सो हेलो गाइस, के साथ आ चुके हैं वापस से और एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस आज हम आ चुके हैं और एक नए होटल में, मतलब वहाँ के चार दिन का स्टे खत्म हो गया, अब ये हमारी जो है नई होटल है और आज मैं आप लोग को ये होटल का टूर दे देता हूँ। एंड गाइस हम अभी जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड, जो कि सबसे फास्टेस्ट राइड करने, तो काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं कितनी फास्ट हो सकती है। मतलब राइड से तो मेरी कुछ फटती नहीं, मैंने बंजी जंपिंग कर ली तो राइड क्या ही चीज़ है मेरे लिए। बात तो सही है। सो यस, मैं और यश अब जा रहे फरारी वर्ल्ड। ऋतिक और जश नहीं आ रहे क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, तो बोल रहे कि हम लोग को आके में हमारा टाइम वेस्ट है, तो हम कुछ और किधर जाने वाले हैं। हमको लगता है कि उन लोग की थोड़ी थोड़ी फट रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट या मैं आया हुआ दुबई, लेकिन मैंने फरारी वर्ल्ड नहीं किया था, मेरा फरारी वर्ल्ड मिस हुआ था, तो मेरे को फरारी वर्ल्ड तो करना ही था। तो हम लोग जा रहे फरारी वर्ल्ड। तो आप लोग अभी शॉर्ट छोटा सा एकदम रूम पे देता हूँ। ये गाइस बेड है, ये अपना छोटा सा टीवी वीवी वगैरह, सब प्यारा सा रूम है गाइस। रूम भी एकदम मस्त अच्छा सा है, बालकनी भी दी हुई है अच्छी खासी एकदम मस्त। यहाँ पे बाथरूम में शायद कोई तो है, ठीक है। ये मेन लॉबी है, ये गाइस मैं हूँ, ये माय पार्टी हो रही है, लेट्स गो। मैं आपको बाथरूम, दो रूम है गाइस, एक मेरा और यश का। चलो गाइस देख सकते हो गाइस, ये जो है बाथरूम है। ओ हमारा बाथरूम थोड़ा अलग है और इनका बाथरूम थोड़ा अलग है। इनके बाथरूम में जो ये पूरा शावर का ही दिया है, जो कि हमारे में सिर्फ बाथटब दिया हुआ है। सो यस, ये है छोटा सा बाथरूम। एंड या यही रहा रूम टूर। अब हम निकलते हैं सीधा फरारी वर्ल्ड के लिए, देखते हैं सब राइड करेंगे, हर एक राइड आप लोगों को दिखा। शायद मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें कैमरा अलाउड नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा, जो भी कुछ भी दिखा सकूं, थोड़ा भी राइड का वो जो व्यू दिखा सकूं वो दिखा दूंगा। तो यस, मिलते हैं सीधा फरारी वर्ल्ड में, लेट्स गो। अब हमारे पेट्रोल भराने, और यहाँ पे पेट्रोल देख सकते हो एकदम खुद से ही भराना पड़ता है, जो है कोई रहेगा नहीं इधर, खुद ही भरा। और इधर तीन टाइप के पेट्रोल है जैसे आप देख सकते हो, एक होता है ई प्लस, एक होता है स्पेशल और एक होता है सुपर। और अपन में तो गाइस रहता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऐसा तीन रहता है। इधर तीन टाइप अलग है, ई प्लस, स्पेशल, सुपर, इधर ऐसे तीन टाइप के। तो यस, और इधर का पेट्रोल का रेट भी कुछ 2.3 या फिर 2.8 दिराम है, मतलब 2.8 अपने में हो गया समझो ना, 60 रुपया हो गया बस, 55-60 रुपीज इधर का रेट है बस, वो भी अच्छा वाला। तो मतलब अपना तो मतलब कितना है तो बहुत ऐसा, हाँ इंडिया से आधा रेट है पूरा पेट्रोल देता, मतलब बहुत सस्ता है गाड़ी पेट्रोल ये सब बहुत सस्ता है। और लेकिन बाकी सब इतने महंगे हैं ना कि क्या बोले गाइस। तो यस, अब ये पेट्रोल भरा रहे हैं, हमारा ड्राइवर और भी कुछ खाने को लेके आएगा, वो खुश खुश को बोला कि बहुत भूख लगी है तो खाने को लेके आएगा। फिर हम जाएंगे सीधा अबू धाबी, क्योंकि एक घंटे का रास्ता है हमारे इधर से, तो काफ़ी लंबा रास्ता है और हम लोग थोड़े लेट भी है क्योंकि 12 से 8 का टाइमिंग है और हम अभी हो चुके हैं 3 बज गए, हम लोग 3:30 तक तो पहुँचे गई। तो या देखते सब राइड कर पाते कि नहीं, लेट्स सी। A few hours later. Guys, कुछ इस तरह की जो एंट्री है यहाँ पे फरारी वर्ल्ड की। सो या अब देखते हैं टिकटिंग काउंटर पे अपनी टिकट्स कलेक्ट कर लेंगे एंड देखते हैं फिर कैसी क्या अमेजिंग राइड होने वाले। यहाँ पे एक फास्टेस्ट राइड थे वही करने में मेन आया हुआ हूँ यहाँ पे, लेट्स सी कितनी फास्ट होती है वो। चलो गाइस, होती है वो, ये रहा नहीं जाता गाइस। यहाँ से फरारी वर्ल्ड अबू धाबी 11 PM to 8 PM तक का टाइमिंग है। तो या Guys, this is the new latest Ferrari, और क्या सेक्सी दिख रही है, मतलब और ये सिर्फ वन सीटर है, मतलब सिर्फ अकेला चला सकता है, बाजू में कोई बैठ नहीं सकता। ये देख सकते हो इसके अंदर की स्टेयरिंग वगैरह, सिर्फ अकेला बैठ के चलाओ, बाकी कोई अलाउड ही नहीं है इसमें। हम गाइस एंटर तो कर चुके हैं गाइस फरारी वर्ल्ड में, और वहाँ पे गाइस देख सकते हो और एक फरारी है, वाह मुझे फरारी मतलब फरारी वर्ल्ड है तो मतलब फरारी होगी। अब हम लोग को जाना है पहले, भाई कौन सी पहली कौन सी राइड करें बताओ। चलो भाई देखते हैं जो आए, सबसे डेंजरस पहले कर देते हैं, सबसे डेंजरस पहले करेंगे। हाँ, ये देखो क्या फरारी गाइस, एक तो ऐसी कुछ कार तो लेनी है यार, क्या हाइट देखना, क्या हाइट है गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं है इसका कुछ भी। चलो पहले चलते हैं मिशन फरारी की तरफ, चलो लेट्स गो। पहली राइड है हमारी मिशन फरारी, टूर गाइड भी हम लोग को दिया हुआ है, चलो टूर गाइड निकालते हैं, लेट्स गो। टूर हम जा रहे हैं प्योर रैंड जीटी चैलेंज में, तो ये कुछ तो एक चैलेंज है, हम चैलेंज करते रहते हैं, ये भी एक कोई चैलेंज है, देखते हैं ये चैलेंज सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। और यहाँ पे देखिए हाइट चेक कराओ भी है कि नहीं, चल चल चलो भाई मैं तो पास पास है गाइस, यश भाई पास है अपने, चलो अब अंदर जाइए। कैसी भाई एकदम, वो फास्टेस्ट राइड कौन सी होता है बताई थी उसने, वो F1 रेसिंग होगी। हाँ। यार ये गाड़ी इधर मस्त पड़ी हुई है, बहुत इच्छा यार इसको लेके बैठ के चलाने की यार, पर हमारे हाइट के हिसाब से बहुत बड़ी, हाइट ज्यादा नहीं चलती नहीं है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, कुछ है ही नहीं भाई, एक्सीलेटर तो है यार, सिर्फ घूमती है बस, वो जो है वो घूमेगा बस, या दैट्स इट, चला नहीं सकता। हाँ डेमो गाड़ी है गाइस, डेमो पीस।
अब एंटर करते राइड में, देखते कौन सी कैसी क्या राइड होती है। लेट्स राइड है, ऐसे जाती है और ये ऐसे इधर से कुछ जाएगी। लेट्स सी इधर आएगी। ये थोड़ी मेरे को फास्टेस्ट तो लग रही है। ओके गाइस, अच्छी खासी फास्ट राइड है गाइस, मजा आएगा। गाइस कुछ ऐसी जो राइड होने वाली है हमारी, बहुत डरावनी लग रही है। हाँ भाई, हमको कैमरा ले लिया, मोबाइल ले लिया, कि मोबाइल ही नहीं अलाउड है। कि वो थी मतलब थी अच्छी खासी राइड थी, फास्ट एकदम फास्ट भागी थी, रोलर कोस्टर टाइप थी नॉर्मल। अपने मतलब हमारे इधर इमेजी का जितनी तो एकदम ऐसे एकदम जॉर्ड नहीं थी, बट इधर एक ही राइड में बताने वाले कि फरारी कैसे बनता है। सही में धर्म बताएगा। चलो गाइस देखते फरारी कैसा बनता है, ये देखेंगे। लेट्स सी, बट मेरे को नहीं लगता इसमें भी रिकॉर्डिंग अलाउड रहेगी, बट अगर रहेगी तो मैं जरूर करूँगा, नहीं रही तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बताने वाले कि गाइस फरारी कैसे बनी है। For many people, owning a Ferrari is a dream, and it's at Maranello where these dreams are made real. Sharing the knowledge of the Formula One racing team and using the most sophisticated technology, the design department is where the dream starts. From initial sketches, once everyone is happy with the design, the wheel nuts are tightened. The car is ready to be tested. A great many extraordinary people are involved in the making of a Ferrari. From research and development, right through the production process, to putting the car on. अभी हम लोग ने की एक जबरदस्त वाली राइड, वो क्या राइड थी ना भाई, एकदम बहुत इतने हम लोग ने अब तक टोटल राइड की है बस तीन, और उसमें थर्ड में ही हम लोग को बहुत मजा आ गया। क्या राइड थी यार, एक घंटा टोटल लाइन में खड़े थे, लेकिन आखिर हम लोग को मिल गया, वो राइड वर्थ इट थी बहुत ज्यादा भाई। जो एंड में जो पीछे से आई थी ना, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, जो पीओ भी मिलता ना तो काफी मजा आता। बट या अब हम जा रहे हैं नॉर्मल से रोलर कोस्टर में, ये भी सब हर एक चीज कर रहे, कोई मिस नहीं कर रहे, लेकिन अब टाइम थोड़ा कम है, तो अभी जो नॉर्मल कुछ कोई एक राइड में रिकॉर्डिंग करेगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। अभी जो वो राइड में बैठे थे वो इतना एकदम हम लोग को लगा फॉर्मूला रोजा वो रहेगा, बट एकदम एक घंटा लाइन में खड़े रहे और एकदम बकवास लाइन, तो बकवास राइड थी एकदम यार, शिट पूरा मूड खराब हो गया। लेकिन अब हमने पूछा उनको, हमने बोला जल्दी बताओ हमको सबसे फास्टेस्ट राइड किधर है, तो ये रहा वो फास्टेस्ट राइड फार्मूला रोजा। हम फार्मूला रोजा जूनियर में और अब जाएंगे असली फार्मूला रोजा में, जो कि होगा सबसे फास्टेस्ट। यश भाई चलते क्या, डरना नहीं यार भाई, ये अच्छा जूनियर लोग का गो कार्टिंग है यार भाई, इधर बच्चे लोग का बहुत कुछ है, मतलब इतना कुछ है ना, बच्चे मतलब पेरेंट्स बच्चों के साथ के लिए बहुत राइड है, और अपने लिए मतलब है दो तीन से चार राइड अच्छी है। वो देखो उसका डेमो है, फार्मूला रोजा का डेमो। ओ भाई चलो गाइस फार्मूला रोजा का डेमो देखेंगे गाइस। तो ये रहा गाइस डेमो, देख सकते हो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एकदम फास्टेस्ट, मतलब लोग रिएक्शन देखो, मतलब क्या देखो के गए लोग को कहना, ओ हो क्या फास्टेस्ट रहेगा भाई, ये कितना फास्टेस्ट है, गलत मजा आएगा गाइस, ये राइड में गाइस मजा आएगा भाई। यश भाई इस पर तो आगे बैठेगा एकदम, हाँ कुछ भी हो इस पर आगे बैठेगा क्या, हाँ। चलो गाइस हम ऐसे है कि फर्स्ट एकदम आगे बैठता है कि मजा एक्सपीरियंस गलत मजा आवे, ताकि एक राउंड रुकना पड़े, लेकिन फिर भी हमको आगे बैठना है। गाइस क्या राइड थी भाई, मतलब क्या थी? मेरी तो वाट ही लग गई है। इस यश ने ना सिर्फ मुंह खोला, इसका पूरा मुंह पूरा ही खुल गया, इतना डेंजर था भाई, रियली गलत राइड थी, मजा आ गई भाई। जो गई ना वो 300 स्पीड से सुन करके 300 स्पीड से गई, और जो 0 to 300 एक सेकंड में फ्रिकिंग मजा आया गाइस, ये कुछ राइड थी यार। ऐसा है ना मेरे को वापस इच्छा हो रही जाने की, बट बहुत डेंजर भी थी सच्ची बताऊँ तो। और एक्स्ट्रा एकदम अच्छी वाली राइड बची हुई, दो पूरी कंप्लीट करेंगे गाइस। ये टर्बो भी एकदम डेंजर थी, आवाज़ भी आई थी एकदम जोर जोर थी, टर्बो ट्रैक। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक पहले सीधा इधर से ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, ऐसा कुछ तो बनाया हुआ है प्रिपेयर टू टेस्ट। हाँ गाइस ऐसा कुछ तो है टर्बो, चलो लेट्स सी, लाइन तो ही नहीं मतलब हो जाएगा, मतलब फटाक से अपना हो जाएगा। ओ भाई आवाज़ गलत आवाज़ आ रही है भाई, देखते हैं कैसा जाता है अभी, लेट्स सी। A few inches later. तो गाइस ये कुछ तो अलग ही जगह एक राइड में है, इसका क्यू व्यू देखो कैसा है भाई, मतलब
भूत बंगले टाइप ही लग रहा है भाई, क्या है? ओह माय गॉड गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे, चले जा रहे। इतनी बड़ी क्यों लगता है, बहुत अच्छी राइड है, इसमें इतनी बड़ी लाइन बनाई हुई है इन लोग ने। ये भी ठीक है, हम करने वाले हैं गो कार्टिंग, यहाँ से हम करेंगे गो कार्टिंग, लेट्स सी मजा आएगा। ये देखो ऐसे इधर का आई थिंक सो बढ़िया वाला गो कार्टिंग है, लेकिन मैंने जो किया था वो काफ़ी बड़ा वाला था जो सिंगापुर में कहते हैं। देखो इधर ठोक भी सकते हैं एक दूसरे को, मजा आएगा गाइस, लेट्स सी आ रहा है। ओहो हो, नाइस 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 वन नाइस, वो बेचारा अटक गया उधर, मजा आएगा गाइस, लेट्स सी कैसा, कितना फास्ट कितना स्मूथ अपन करते थे, कितना प्रो है अपन। वैसे तो गाड़ी चलाने में तो प्रो है ही है, गो कार्टिंग में देखते कितने प्रो है। बहुत बार किया तो हूँ मैं, वैसे तो सिंगापुर में किया, अपने मुंबई में भी किया हूँ, अब इधर दुबई में आया तो दुबई में भी कर लेते। चलो सो गाइस वी आर रेडी फॉर दी गो कार्टिंग, लेट्स गो। यहाँ पे इधर फिर से बोला है कि कैमरा लॉकअप, मोबाइल लॉकअप मेरा, तो मैं जो यहाँ पे लॉकअप मेरा अपना मोबाइल। सो यस हमारा जो है फरारी वर्ल्ड पूरा हो चुका है, और अब हम आए फूड कोर्ट, सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी इतनी भूख लगी है, तो अब हम ले रहे हैं पिज्ज़ा हट से कुछ पोटैटो वेजेस और एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा वेज केक, तो ऑप्शन एक रहता है सिर्फ, और उसमें भी बहुत जगह इसमें तो एग वेग कुछ भी डाल देते हैं, तो इसलिए गाइज अभी हम लोग को नॉर्मल पिज़्ज़ा करना था ऑर्डर, एंड अब देखते हैं कब आता है खाना और खाते हैं फटाक से और फिर निकलते हैं। बहुत थक गए हम लोग, और राइड्स तो बहुत प्यारी थी फरारी वेल की, मज़ा आ गया गाइज राइड्स करने को भी, मतलब वहाँ पे ना मतलब बहुत सारे बच्चों लोगों की ज़्यादा राइड्स है, और लेकिन तीन चार अपने जैसी राइड है जो कि एकदम सेक्सी है, क्या एकदम फास्ट एंड एकदम फॉर्मूला एकदम जॉर्ड थी, फ्लाइंग एड्स जैसा कुछ होता वो भी बहुत सेक्सी थी गाइज, मज़ा आया गाइज आज का दिन में भी खाते हैं, और फिर देखते रात को जब पार्टी वार्टी करने जाएंगे। जो वेज पिज्ज़ा इतना बड़ा लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, पोटैटो वेजेस और सैलड वैलड आए इतने सारे, तो अब खाते हैं ऑफिस का निकलते हैं अपने होटल की तरफ, लेट्स गो। यस गाइस अब आ चुके हैं होटल में, और भाई काफ़ी हेक्टिक डे रहा, मतलब बहुत इधर उधर उधर घूमे हम, एक्चुअली पहुंच गए रात को इतना लेट ना ये लोग को, तो और वाईफाई हमको किधर मिला ही नहीं, एंड में पूरी लग गया इनको जश और इधर थे, इनको लग रहा टेंशन आ गया था कि हम किधर गए, क्योंकि हम आने वाले थे 10 बजे और हमको हो गए 12:30 आते आते, तो ये लोग बोले कि ये लोग किधर रह गए, आए नहीं इतने मैसेज, और ये लोग मैसेज वैसे सिम वगैरह नहीं, कॉल भी नहीं कर सकते ना, टेक्स्ट कुछ भी नहीं, हमको वाईफाई भी मिला, हम एक कोई तो किधर से तो आए थे, और उसमें हमको इतना टाइम लग गया ना, आते आते बैठ बज गई हमारी। तो यस अब होटल में आ गए, अब सोते हैं, यही रहा आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को जो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब कल हम जाने वाले डायरेक्ट अटलांटिस वाटर पार्क है, जो बहुत सेक्सी है, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। तो यस तब तक ले, बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट।